कोहली की टीम से होगी। बड़ा ही शानदार मुकाबला स्टार्ट होता है विपुल पिटारे से इस किलो को निकालेंगे। आज एक तरफ नवलड़ी की सीनियर टीम, नवलड़ी की जूनियर टीम हारकर बाहर हो चुकी है इस टूर्नामेंट से। सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है खोजास की पालन बराबर मुकाबला 10-5-10 का होगा। जो तीन प्लेयर है मैच रेफरी के अलावा सभी बाहर हो चुके कोर्ट से, जिसकी मैच रेफरी की फिसल पड़ चुकी है। टाइमर लाइनर सब रेडी रहे। टॉस विजेता प्रशांत राज चॉइस ऑफ कोर्ट यानी पहली रेड होगी वो होगी नवलड़ी की टीम के द्वारा। रवि 99 नंबर दसी में बरस का प्रयास करेंगे एक कॉर्नर पे, देखते हैं रेडर रेड में कामयाब होते हैं या डिफेंस के द्वारा दबोच ले दिखा रहे हैं। ओहो बड़ा ही शानदार टेकल देखने को मिला प्रशांत प्रशांतरा एम परशुरामपुरा का खाता खुलता हुआ बहुत ही शानदार डिफेंस के साथ देवेश के द्वारा बहुत ही शानदार डिफेंस। देखते हैं रेड में पॉइंट लेके आते हैं देवेश। मुकाबला होगा दोनों टीमों के द्वारा रेडर परशुरामपुरा की ओर से। फिर से एक बार परशुरामपुरा के सॉरी नवलड़ी के रेडर रेड पे है। साथ का डिफेंस है बोनस इनके लिए उपलब्ध है। देखते हैं रेडर रेड में पॉइंट लेके आते हैं या परशुरामपुरा के डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाते हैं। कितना प्रयास ओहो देश का प्रयास भी किया है प्रेस करने का प्रयास देवेश के द्वारा लेकिन असफल प्रयास। दो पॉइंट मिल रहे टीम को लाइन से बिठाएं नवलड़ी को जो भी लाइन अब रेड में है परशुरामपुरा की ओर से सुनील सुनील कुमार इनके पास में है बहुत ही शानदार रेड रहे परशुरामपुरा की ओर से सुनील कुमार टीम की मुख्य लीड है। सुनील रेड में कामयाब होते हैं पॉइंट लेके जाते हैं टच करने का प्रयास लेकिन एम्प्टी रेड के साथ अपने कोर्ट में वापस लौटे। मैच अभी की फिसल बची है सब्स्टिट्यूशन किया है परशुरामपुरा की ओर से पहला सब्स्टिट्यूट पांच का रेड में नवलड़ी की ओर से राकेश नहीं। देखते हैं रेडर रेड में कामयाब होते हैं या परशुरामपुरा का डिफेंस रेडर को दबोच लेता है। रेडर काफी फुर्तीले हैं स्किल का प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी स्किलों का इनके पितारे में काफी स्किल है कौन सी स्किल दिखाते हैं और इस बार दबोच लिए गए परशुरामपुरा के डिफेंस द्वारा। परशुरामपुरा एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम परशुरामपुरा स्कोर 2-2 बाहर जाना डिफेंस गरजता है या रेडी गरजता है। परशुरामपुरा के रेडर दिवेश रेड पर है करते हैं क्या रेड में कमाल या अपना पॉइंट 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 रेडर सेल्फ आउट है। दो ढाई रेड में पॉइंट नहीं ले सके परशुरामपुरा की ओर से देवेश सेल्फ आउट होके बाहर जाते हुए। मिट्टी के इस ग्राउंड में कच्चे कोर्ट में ज्यादातर रेडर डिफेंस पे ही टीम निर्भर रहती है और इस बार दबोच लिए गए टीम परशुरामपुरा के द्वारा। बहुत ही शानदार डिफेंस रहा इस मुकाबले में परशुरामपुरा का। स्कोर 3-3 इस्तेमाल करते हैं या डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाते हैं। अब रेड पे परशुरामपुरा की ओर से ओमेंदर स्वामी देखते हैं क्या करते हैं रेडर रेड पे पॉइंट लेते हैं या डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाते हैं और ये सेफ रेड एम्प्टी रेड कोर्ट में वापस लौटे। 99 नंबर स्वामी क्या अपनी टीम के लिए पॉइंट लेके आएंगे या अपनी टीम के लिए पॉइंट खो के आएंगे। अब नवलड़ी की ओर से परशुरामपुरा का डिफेंस है और इस बार दबोच लिए गए देखने को मिला परशुरामपुरा के डिफेंस द्वारा। खिलाड़ी आउट हो जाए वो इस मुकाबले में परशुरामपुरा का डिफेंस बहुत ही शानदार फिर से एक बार खेल दिखा रहा है इस मुकाबले में। देखते हैं क्या रेडर रेड में पॉइंट लेके गए डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाएंगे। वन पॉइंट परशुरामपुरा एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम परशुरामपुरा को स्कोर 5-3 5 परशुरामपुरा 3 नवलड़ी
किसी बार रेडो रेड पर है, नवलडी के रेडो क्या रेड में कामयाब होते हैं या प्रसादा के डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाते हैं। एडवांस टेकल करने का प्रयास, एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलडी को, पेट का इजाफा हुआ है। चौधरी संदीप सुंडा भाई हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। 5 मिनट समय शेष है, 5 का डिफेंस, मात्र 5 मिनट का खेल शेष रहा है इस मुकाबले में, और बहुत ही शानदार एंकल होल्ड। स्कोर 5-5 राकेश के द्वारा लिया है नवलडी की टीम ने इस मुकाबले में। स्कोर 5-5, 5 मिनट 20 सेकंड नहीं छोड़ सके इस मुकाबले में। अभी देखा जाए तो परशुरामपुरा के मेन रेडर है सुनील, फिर से एक बार नवलडी का रेडर रेड पर है, क्या रेडर कामयाब होते हैं परशुरामपुरा के डिफेंस के कारण दबोच लिए जाते हैं। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला, दोनों टीम एडवांस टैकल करने का प्रयास, लेकिन है सफल प्रयास, एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलडी को, 1 पॉइंट नवलडी। स्कोर 6-5, 6 नवलडी, 5 परशुरामपुरा। एक और टो टच का प्रयास और सफल प्रयास, ईमानदारी का परिचय दिया सुनील ने, 5 नंबर पर सीमा, 1 पॉइंट परशुरामपुरा। एक और पॉइंट लेके परशुरामपुरा के लिए दीपेंद्र स्वामी, 5 का डिफेंस है, बोनस उपलब्ध है। रोहिदास नवयुग मंडल द्वारा हार्दिक स्वागत है, इनको दबोचता है। 2 पॉइंट, 2 और पॉइंट मिलते हुए टीम नवलडी को। स्कोर 8-6, अब रेड पे है, फिर से एक बार नन्हे मुनि रेडर रेड पर है, क्या करते हैं रेडर रेड में पॉइंट लेके आते हैं या डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाते हैं। परशुरामपुरा की ओर से बहुत ही शानदार रेडर है, फिर से एक बार परशुरामपुरा के रेडर रेड पर है, क्या रेडर रेड में कामयाब होते हैं। सुपर टेकल हो गया, 3 का डिफेंस है, 4 मिनट फर्स्ट हाफ में शेष है, स्कोर है 4 मिनट का खेल हो रहा है इस पहले हाफ में। मेहनत कर रहे हैं कोर्ट पे खिलाड़ी, खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन निरंतर करते रहे। 2 पॉइंट और मिलते हैं टीम नवलडी को, आपको आपने सब क्रॉस किया लाइन उसके बाद में आई है, इसीलिए आपको 1 पॉइंट मिला है। तीन मिनट 26 सेकंड समय शेष है, मैच अभी का निर्णय सर्वमान्य होगा। पिछले बात पर सांपरा के रेडो रेड पर है, स्कोर 9-6 और अरविंद को समेटेज कर दिया गया टीम नवलडी के ऊपर। सांपरा 10 नवलडी, ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ टीम परशुरामपुरा के ऊपर, देखते हैं मेहनत करते हैं या देखते क्या करते हैं रेडर रेड में पॉइंट लेके आए हैं। ऑल आउट परशुरामपुरा, ऑल इन परशुरामपुरा, 22-23 ऑल आउट परशुरामपुरा, 3 पॉइंट नवलडी मुकाबले में पहली बार ऑल आउट होते हुए टीम परशुरामपुरा। 13-6, 7 पॉइंटों की लीड है अभी भी नवलडी टीम के पास में। 2 मिनट 38 सेकंड समय शेष है फर्स्ट हाफ के, अब रेड पे है दीपेंद्र स्वामी, कमेंटर रेड पर है, देखते हैं क्या करके गए, रेड में पॉइंट लेके गए हैं या डिफेंस के द्वारा दबोच लिए गए हैं। और एक और शानदार टो टच परशुरामपुरा, 1 पॉइंट और अर्जित किया टीम परशुरामपुरा ने इस मुकाबले में, वापसी करते हैं। अब रेड पे है नवलडी के, फिर से एक बार स्टार रेडर राकेश, नवलडी के रेडर रेड पर है, बोनस उपलब्ध है इनके लिए, क्या रेडर बोनस लेके गए हैं। बोनस प्लस 16-7 गया परशुरामपुरा का स्टार रेडर सुनील, सुनील को चलना होगा अपनी टीम को आत्मनिर्भर, आज कुछ खास नहीं कर सके है परशुरामपुरा के स्टार रेडर सुनील। 1 पॉइंट परशुरामपुरा, 1 पॉइंट लेके रिकॉर्ड में वापस लौटे सुनील, 16 नवलडी, नवलडी के रेडर रेड पर है, 1 मिनट करने का प्रयास, फर्स्ट हाफ में शेष है, इस मैच को लाइव दिखाया जा रहा है, सब बैठे भी देख सकते हैं इस मैच को। इस बार दबोच
अब रेड पे है देवेश परशुरामपुरा की ओर से। परशुरामपुरा के रेडर रेड पर है, क्या रेडर रेड में पॉइंट लेके जाएंगे? कोने पे प्रयास कर रहे हैं लगातार रेडर, कवर चैन कवर देखते हैं कवर कामयाब होता है। आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके परशुरामपुरा की ओर से देवेश, अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं परशुरामपुरा की ओर से। इस बार नवलड़ी के रेडर रेड पर है रवि 99 नंबर सस्सी में 52 सेकंड समय शेष है फर्स्ट हाफ के, पहले हाफ में मात्र 52 सेकंड का खेल और शेष रहा है इस मुकाबले में, जहां पे टीम नवलड़ी अभी तक देखा जाए तो लीड कर रही है इस मुकाबले में। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के द्वारा देखने को मिल रहा है। एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलड़ी को, अंतिम मैच होगी है। अब रेड पे गए हैं दीपेंद्र स्वामी, ईमानदारी के परिचय दे रही है नवलड़ी की टीम। पॉइंट पर सामना लेके अपने खेमे में वापस लौटे। हाफ टाइम होता हुआ इस मुकाबले का, अभी तक देखा जाए तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखा गया है, जहाँ पे एक तरफ नवलड़ी तो दूसरी तरफ परशुरामपुरा पहुंचे मैदान में। बहुत ही शानदार खेल देखा गया अभी तक दोनों ही टीमों के मध्य। इस मैच के निर्णायक के रूप में आशीष सिंगनौर और श्रवण सिंगनौर, ग्राउंड सपोर्टिंग स्टाफ जल्द से जल्द लाइनिंग करके मैच को स्टार्ट करें। मैच अभी 18 नवलड़ी 10 परशुरामपुरा, फर्स्ट हाफ समाप्त हो चुका है, सेकंड हाफ अभी स्टार्ट हो जाएगा। क्या 10 मिनट में 8 पॉइंटों की बढ़त को खोएगी नवलड़ी या परशुरामपुरा की टीम को हार का सामना करना पड़ेगा कुछ समय के बाद में, इस मुकाबले का निर्णय होगा आपके सामने। एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम परशुरामपुरा को, बहुत ही फुर्ती के साथ पहला पॉइंट अर्जित किया है दूसरे हाफ में टीम परशुरामपुरा ने। इस मुकाबले में देखा जाए तो दीपेंद्र ने अभी तक बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है। और पैक होल्ड कर लिए गए, देखने को मिला होगा वन पॉइंट है। मैच रेफरी से बहस ना करो, कैप्टन अपनी ताल एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलड़ी को, रेफरी का निर्णय पैक होल्ड करने का प्रयास दीपेंद्र स्वामी द्वारा, लेकिन ऐसे बल प्रयास। अब रेड पे परशुरामपुरा की ओर से देवेश जर्सी नंबर डिफेंस के द्वारा 53 नवलड़ी की टीम लगातार बढ़त बना रही है। ओहो, और बहुत ही शानदार डिफेंस नवलड़ी का, नवलड़ी रणजीत के द्वारा शानदार डिफेंस। 20-10 मोहम्मद इरफान भाई, सीताराम कुमार भाई आपका हमारे साथ लाइव में मात्र 8 पॉइंटों का अंतर है अभी तक देखा जाए तो नवलड़ी के स्कोर और परशुरामपुरा के स्कोर में। नवलड़ी के रेडर रेड पर है, देखते हैं क्या रेडर रेड में पॉइंट लेके गए हैं। दूसरा हाफ पूरा शेष है अभी तक देखा जाए तो मात्र 2 रेड हुई है दूसरे हाफ की। एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलड़ी को, अभी तक देखा जाए तो बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है टीम नवलड़ी ने। बड़ा ही शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है, बड़ा ही शानदार मुकाबला है दोनों टीमों के द्वारा देखने को मिल रहा है।
सेफ रेड करके अपने कोर्ट में वापस लौटे अरविंद। क्या करते हैं परशुरामपुरा की ओर से, परशुरामपुरा की टीम तीर कमान से क्या अपने तीरों को छोड़ना स्टार्ट करती है या मैच को परशुरामपुरा की ओर से लेफ्ट कॉर्नर खेल रहे हैं। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के मध्य। 21-11 21 नवलड़ी 11 परशुरामपुरा। 7:44 समय से थे परशुरामपुरा की ओर से नन्हे मुन्ने रेडर के द्वारा 14 वर्षीय खिलाड़ी रेडर काफी फुर्तीला रेडर के रेड में पॉइंट लेके आते हैं या नवलड़ी के डिफेंस के द्वारा दबोचने जाते हैं। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के द्वारा। अब चलना होगा परशुरामपुरा टीम को वरना समय निकलता जा रहा है। 11 पॉइंटों की शायद लीड है नवलड़ी टीम के पास में। 7 मिनट फारूक खान भाई हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। 99 नंबर जर्सी में रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो अकत्तर से फारूक खान भाई हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है एवं धन्यवाद। और इस बार शानदार टेकल परशुरामपुरा की ओर से दो ऑर्डर रेड में दीपेंद्र और इस बार दबोच लिए गए रणजीत के द्वारा दबोच लिए गए। 12 परशुरामपुरा 23 नवलड़ी 11 पॉइंटों की लीड 6:42 समय। धन्यवाद भाई साहब फारूक खान। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के मध्य देखने को मिला। ओहो एडवांस टेकल करने का प्रयास लेकिन सफल प्रयास। दो पॉइंट मिलते हुए टीम नवलड़ी को। नवलड़ी परशुरामपुरा का डिफेंस इस मुकाबले में एक तरफा बिखर गया है। एक तरफा मुकाबला देखने को मिला अभी। धन्यवाद भाई साहब। 1 पॉइंट नवलड़ी। एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलड़ी को। ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ टीम परशुरामपुरा पे और इस मुकाबले में दूसरी बार ऑल आउट हुई है टीम परशुरामपुरा। नवलड़ी की टीम ने 12-28 परशुरामपुरा 28 नवलड़ी। परशुरामपुरा का स्कोर मात्र 12 और नवलड़ी का स्कोर आधे से 4 अंकों का टीम के पीछे खड़े हैं कोच डिफरेंस। लेकिन अपनी टांग ठोकते रह रहे हैं बाहर से कुछ कर भी नहीं सकते। कोच अपनी टीम को सिखा सकता है लेकिन जिता नहीं सकता। जीतने के लिए कोर्ट में मेहनत करनी पड़ती है खिलाड़ियों को। अब हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं दशरथ सिंह शेखावत भाई साहब आपका हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए स्वागत है। यह डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाते हैं। एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम परशुरामपुरा को। आज तक देखा जाए तो परशुरामपुरा की ओर से बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन किया है दीपेंद्र स्वामी ने। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है दोनों टीमों के द्वारा। शानदार मुकाबला दोनों टीमों के द्वारा देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या जाती है परशुरामपुरा की टीम जिस प्रकार क्रिकेट में परशुरामपुरा की टीम का सिक्का चलता है उसी प्रकार कबड्डी में भी सिक्का चलता है। परशुट किया और एक और पॉइंट परशुरामपुरा। इस मुकाबले में देखा जाए तो परशुरामपुरा की ओर से बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है दीपेंद्र स्वामी ने। सामने वाले खिलाड़ी लगभग 8 पॉइंट ले लिए अपनी टीम के लिए 15 अंकों में से आधे अंक और शानदार डिफेंस। लेकिन असफल प्रयास। एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलड़ी को। हाँ भाई साहब आज परशुरामपुरा ने निराश किया है। परशुरामपुरा के स्टार रेडर सुनील कुमार इस मुकाबले में चल नहीं पाए मात्र 1 रेड पॉइंट हासिल किया है। 31-13 काफी पीछे टीम है परशुरामपुरा की। शायद मेजर के हाथों से निकल गया है। कोई 2-4 पॉइंटों का अंतर होता तो टीम सेम बर्थ की निकल सकती थी लेकिन 15 पॉइंटों का फासला बहुत बड़ा फासला होता है। सुनील को परशुरामपुरा की ओर से रेड पे है सुनील। यदि अपनी टीम को जिताना चाहते हैं तो वरना मुकाबला इनके हाथों से निकल चुका है। ताली भर का पेड़ों को रोक लिया गया है। 1 पॉइंट नवलड़ी। फिर एक बार नवलड़ी के रेडर रेड पर है। क्या रेडर रेड में कामयाब होते हैं या परशुरामपुरा की डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाते हैं। तरह या मरो की स्थिति परशुरामपुरा टीम के ऊपर है।
एक शानदार था डबल और नवलड़ी की ओर से एक और पॉइंट मिलता हुआ आकाश को। अब परशुरामपुरा की ओर से मात्र 14 वर्षीय छोटे से रेडर है, क्या रेड में पॉइंट लेके आते हैं झिंडिया रेड में द्वारा दबोच लिए जाते हैं और इस बार दबोच लिए गए। शानदार टोटल 1 पॉइंट नवलड़ी। आज इस मुकाबले में देखा जाए मात्र एक खिलाड़ी पे निर्भर रही है टीम परशुरामपुरा। सिंगर के मध्य होगा, दोनों टीमें तैयार है, लाइव में बने हुए सभी साथियों का मैं अजय कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइव में जो शेयर है पेज को फॉलो जरूर करें ताकि हर लाइव मैच का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मात्र 3 मिनट शेष रहे इस मुकाबले में, अब कुछ करिश्मा ही टीम परशुरामपुरा को विजय दिला सकता है। एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलड़ी को, 1 पॉइंट नवलड़ी। वापसी करनी होगी टीम परशुरामपुरा को, काफी सुपर टैकल होने एक तरफ राइट कॉर्नर पे अंतिम दो विकास तो मौजूद है, लेफ्ट कॉर्नर पे अरविंद मौजूद है। खिलाड़ी बीच में ना बोले वरना टेक्निकल पॉइंट काट लिया जाएगा आपका, और वैसे ही पॉइंट बहुत कम है। नवलड़ी के रेडर अब रेड पे है अरविंद और इस बार दबोच लिए गए। एक और ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ टीम परशुरामपुरा के ऊपर और इस मुकाबले में तीसरी बार ऑल आउट होते हुए टीम परशुरामपुरा। अब रेड पे परशुरामपुरा के इस मुकाबले के स्टार रेडर दीपेंद्र स्वामी और इस बार फिर से दबोच लिए गए। आज इस मुकाबले में परशुरामपुरा डिफेंस बिखरता गया है, कुछ खास नहीं कर पाया आज परशुरामपुरा के निराकुश इस टीम से, मेरी टीम चल क्यों नहीं रही है, खास नहीं कर पाई है। अभी तक देखा जाए तो मुकाबले में पूरी तरह से बिखर गई है टीम परशुरामपुरा। डिफेंस के द्वारा दबोच लिए जाते हैं और ये एडवांस टैकल का प्रयास लेकिन असफल प्रयास। एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलड़ी को। अब रेड पे परशुरामपुरा के स्टार रेडर देवेश, शायद दो या तीन रेड देखने को मिलेगी। ओ डुबकी का प्रयास, एक और पॉइंट मिलता हुआ टीम नवलड़ी को। 42-14 इकतर मुकाबला जीता है शानदार रेड परशुरामपुरा के नन्हे मुन्ने खिलाड़ी द्वारा। इसके बाद में इस मैच की अंतिम रेड होगी, मात्र 50 सेकंड का खेल और शेष रहा इस मुकाबले में। कुछ नहीं बचा है, उदास नहीं होना, हार जीत खेल के दो पहलू होते हैं, कभी हारते हो तो कभी जीतते हो, खुशी के इन पलों को जाहिर कीजिए। और इस मुकाबले में टीम परशुरामपुरा को हार का सामना करना पड़ा है टीम नवलड़ी के सामने। दोनों टीमों ने एक तरफा मुकाबला जीता है टीम इस मैच में नवलड़ी नवलड़ी की टीम। अगला मुकाबला होगा सिंगोर वर्सेस झाझड़। अगला मैच क्या रहे दोनों टीमें कितने बजे कोर्ट में प्रवेश किए। इस मुकाबले में परशुरामपुरा की टीम पूरी तरह से बिखर गई, आज परशुरामपुरा का स्टार रेडर सुनील नहीं चल पाए, बिखरने का बड़ा कारण। जैसे ही नया मुकाबला स्टार्ट होता है तो हम आपके साथ लाइव में वापस जुड़ते हैं, तब तक नमस्कार। अगला मुकाबला है नेहरू की ढाणी वर्सेस झाझड़। दोनों टीमें 5 मिनट के अंदर कोर्ट में प्रवेश करें।